नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंदूर के बारे में। सिंदूर जो कि एक बहुत ही कीमती वस्तु है एक सुहागन स्त्री के लिए, उसके सुख और सौभाग्य का प्रतीक होता है सिंदूर। एक सुहागन स्त्री का सुहागन होने का प्रतीक है, विवाहित होने का प्रतीक है। और एक सुहागन स्त्री इस कामना से सिंदूर लगाती है कि उसके पति की आयु लंबी हो, उसके पति की हर संकट से रक्षा हो, हर मुसीबत से, हर बुरी बला से उसका पति सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। इस कामना को मन में रखते हुए वह सिंदूर लगाती है। सिंदूर से स्त्री का सौंदर्य बढ़ जाता है, रूप बढ़ जाता है। मन में एक सुरक्षा की भावना आती है जब एक स्त्री जो है अपनी मांग में वो लाल रंग का सिंदूर भरती है। रूप और सौंदर्य के साथ ही संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है सिंदूर को। तो दोस्तों, इसलिए हिंदू शास्त्रों में भी सिंदूर के महत्व के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि किस तरह से माँ सीता जो है वो सिंदूर लगाती हैं अपने पति के श्री राम के लंबी आयु के लिए। तो उनसे एक बार हनुमान जी पूछते हैं कि आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तब सीता ने बताया कि ये जो सिंदूर है इसे लगाने से श्री राम की आयु लंबी होगी, मेरे पति की आयु लंबी होगी। तब हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था कि अगर भगवान की आयु सिंदूर लगाने से लंबी होती है तो उन्होंने पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया था। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। जो स्त्रियाँ अपनी मांग में सिंदूर सही तरीके से लगाती हैं, सही विधि से लगाती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है। उनके पति को किसी भी अकाल दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि किस तरह से सिंदूर लगाना चाहिए, किस समय में सिंदूर लगाना चाहिए, किस पात्र में हमें सिंदूर रखना चाहिए और किस पात्र में हमें सिंदूर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, और सिंदूर कब और कैसे लगाना चाहिए, किस तरह से हम सिंदूर लगाएं कि हमारे पति की आयु लंबी हो, उनकी हर संकट से रक्षा हो सके, और किस तरह से सिंदूर लगाना गलत होता है। अगर उस तरह से हम सिंदूर लगाते हैं तो हमारे पति जो हैं वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसे रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो हमें सिंदूर लगाते वक्त बहुत सारी सावधानियां भी रखनी चाहिए। सिंदूर जो है हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है सिंदूर का। एक शादीशुदा जो स्त्री होती है उसकी पहचान सिंदूर से ही होती है। एक पति की लंबी आयु के लिए हम तमाम तरह के व्रत रखते हैं, करवा चौथ रखते हैं, हड़ताल का तीज का व्रत रखते हैं और भी बहुत सारे व्रत रखते हैं जिसमें हम पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं और निर्जला व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए। तो जब हम सिंदूर लगाते हैं उस समय में भी हमें कुछ न कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। जो नियम हमें शास्त्रों में बताए गए हैं हमें उनका पालन अवश्य करना चाहिए ताकि हम प्रतिदिन कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि हमारे पति के जीवन को कोई संकट हो, बल्कि हम इस तरह से सिंदूर लगाएं कि उनकी जो आयु है वो लंबी हो और हमारे बीच का जो रिश्ता हो, पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है, दाम्पत्य जीवन जो होता है वो सुखमय रहे। किस तरह से सिंदूर लगाया जाए, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ये सभी बातें शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से हमें सिंदूर लगाना चाहिए, किस समय हमें सिंदूर लगाना चाहिए। दोस्तों, सुबह सुबह कई लोग क्या करते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले सिंदूर लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सुबह उठकर आप अपने नित्य कर्म करें, स्नान इत्यादि करने के बाद ही आप कुछ ना कुछ खा लें, कुछ मीठा मुंह में डाल लें, उसके बाद से आपको सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी ऐसे स्नान करके आकर और तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए या तुरंत श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। किसी भी श्रृंगार से पहले, स्नान करने के बाद आप थोड़ा सा कुछ खाकर ही अपना श्रृंगार करें या फिर आप सिंदूर लगाएं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप सुबह उठकर सबसे पहले सिंदूर न लगाएं। स्नान वगैरह करने के बाद जब आप पूजा करें, और हाँ जब आप पूजा करते हैं तब भी आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप माता रानी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, तो जब हम उनको टीका लगाते हैं, जब हम उन्हें सिंदूर से, रोली से टीका लगाते हैं
तो वो जो टीके वाली उंगली होती है उसमें सिंदूर लगा होता है, बचा हुआ रहता है, उसे अपनी माथे पर जरूर लगाना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। और उसके बाद आप कुछ खाने के बाद, पूजा के बाद कुछ खा लें, उसके बाद फिर आप आराम से शांत मन से बैठकर सिंदूर लगाएं। और जब आप सिंदूर लगाएं तो आप अकेले में लगाएं, एकांत में लगाएं। कभी भी सिंदूर या श्रृंगार जो है वो सबके सामने नहीं करना चाहिए। और अपने सिर पर पल्लू जरूर रखें जब आप सिंदूर लगाती हैं। तो इसके बाद आप बिल्कुल शांत मन से माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आप सिंदूर लगाएं। और हो सके तो आप एक मंत्र है जिसे आप बोल सकती हैं, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र बोलते हुए जिस समय में आप सिंदूर लगा रही हैं उस समय में आप इस मंत्र को बोलें, 2 बार 3 बार जितने समय भी आप बोल सकते हैं इसको बोलें। और उसके बाद आप सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते वक्त आप माँ पार्वती का ध्यान रखें, क्योंकि माँ पार्वती जो हैं वो सौभाग्य की दाता हैं, सुहाग की दाता हैं। तो अगर हम माँ पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाते हैं तो हमारे पति की आयु लंबी होती है, माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। आप चाहें तो इस मंत्र को बोल सकते हैं, नहीं तो मन ही मन माँ पार्वती से अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए कामना करते हुए सिंदूर लगाएं। दोस्तों, जब आप सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर में से कई बार क्या होता है कि अपने ही घर के कुछ सदस्य होते हैं, जब आप उसी डिब्बी में से सिंदूर किसी को लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। एक डिब्बी अपने पास एक्स्ट्रा जरूर रखें जिसमें से आप किसी और को सिंदूर लगाना हो तो हमेशा उस डिब्बी में से लगाएं। जिस डिब्बी में से सिंदूर आप स्वयं लगाती हैं उसमें से सिंदूर आप किसी को भी नहीं लगाएं। और आप स्वयं भी किसी और की डिब्बी से लेकर सिंदूर न लगाएं। अपनी डिब्बी में अपना सिंदूर आप किसी को भी नहीं बांटें। कभी भी अपना सिंदूर किसी को नहीं देना चाहिए। किसी की मांग में भी अपनी डिब्बी का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ना ही किसी और की डिब्बी से आप अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, सिंदूर लगाते वक्त आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप सिंदूर लगाते हैं तो आप दिशा का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ सिंदूर खड़े होकर लगाने से, उस तरफ आपका मुख होने से आपके पति को नुकसान होगा, बेवजह वो संकट में घिरेंगे, उनकी आयु क्षीण होती है। इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि हमें सिंदूर किस बर्तन में रखना चाहिए, किस डिब्बी में रखना चाहिए, किस तरह के धातु के बर्तन हो जिसमें हम अपना सिंदूर रखें। दोस्तों, चांदी के डिब्बी में कभी भी सिंदूर नहीं रखना चाहिए। चांदी के डिब्बी में सिंदूर रखना अशुभ माना जाता है। शीशे के पात्र में भी सिंदूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शीशे का पात्र टूट सकता है, हाथ से गिर जाए तो टूट सकता है। तांबे के बर्तन में भी कभी भी सिंदूर नहीं रखना चाहिए, और लोहे के बर्तन में भी सिंदूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लोहे के कारण सिंदूर जंग लग जाता है। इस तरह के पात्र जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, शुभ नहीं होते हैं। तो इस तरह के पात्रों में सिंदूर नहीं रखना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में भी सिंदूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके टूटने का डर रहता है। तो फिर अब क्वेश्चन ये है कि सिंदूर फिर हमें किस में रखना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों, आप पीतल के बर्तन में सिंदूर रख सकते हैं। पीतल की डिब्बी जो होती है उसमें सिंदूर रख सकते हैं। संभव हो और समर्थ हो आप तो सोने के पात्र में सिंदूर रखना सबसे अच्छा होता है। सोने की अगर डिब्बी संभव हो, आपसे समर्थ हो, तो सोने के पात्र में जो सिंदूर रखा जाता है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और लकड़ी की डिब्बी होती है जिसमें सिंदूर रखा जाता है। लाख के बर्तन में भी सिंदूर रखा जाता है। दोस्तों, इस तरह से अगर आप पात्र का ध्यान रखेंगे कि किस पात्र में हमें सिंदूर नहीं रखना है, विशेषकर इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि किस पात्र में हमें सिंदूर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। फिर आप पीतल के डिब्बी जो होती है बहुत आसानी से मिल जाती हैं, उनमें आप रख सकते हैं। लकड़ी की जो डिब्बी होती है उसमें भी सिंदूर रख सकते हैं, और बस उसका ध्यान रखें कि वो अच्छे से बंद हो जाए। लाख के बर्तन में रख सकते हैं। इस तरह से जो पात्र होते हैं वो सुरक्षित होते हैं और शुभ माने जाते हैं सिंदूर रखने के लिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि सिंदूर हाथ से छूटकर गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है, तो फिर मन में डर हो जाता है एक तरीके का कि क्या हो गया। इससे कुछ मन में एक आशंका सी हो जाती है
कि कुछ बुरा तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार हमारा हाथ फिसल जाता है जिसकी वजह से सिंदूर गिर जाता है। मन में वहम नहीं रखना चाहिए। कभी भी मन में अगर हम बेवजह की शंका रखते हैं तो वो शंका ही हमें नुकसान करती है। इसलिए आप मन में शंका ना करें, बल्कि आप जितना सिंदूर आपसे उठ सकता है आप उसे उठाकर अपनी डिब्बी में रख लें, और बाकी का जो सिंदूर है उसे, जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है जिसमें मिट्टी ज़्यादा लगी हुई है, उसे उठाकर किसी कागज़ में लेकर आप किसी पौधे के नीचे डाल सकते हैं, किसी गमले में डाल दें। ऐसी जगह ना फेंकें जहाँ पर किसी का पैर लगे, और उस सिंदूर को लेकर कोई वहम ना पाले मन में। दोस्तों, हमेशा सिंदूर ऐसे बर्तन में ही रखना चाहिए जिससे कि सिंदूर गिरे नहीं। और आप ध्यान रखें कि बच्चों से बचाकर सिंदूर रखें। कई बार हम ऐसे बर्तन में सिंदूर रख देते हैं या फिर ऐसी जगह रख देते हैं जहां बच्चों का हाथ पहुंच जाता है, छोटे बच्चों का, और गिर जाता है। और सिंदूर गिरने के बाद फिर हम डरते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सिंदूर हमें किस तरह से अपनी मांग में भरना चाहिए। सिंदूर भरते समय दोस्तों कहा जाता है कि सिंदूर हमेशा सीधी मांग में भरना चाहिए, कभी भी साइड में मांग निकालकर सिंदूर नहीं भरना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि साइड में मांग निकालकर सिंदूर भरने से पति पर परेशानियां आती हैं, पति और पत्नी के बीच में रिश्ते खराब होते हैं, दाम्पत्य जीवन खराब होता है। इसलिए हमेशा अपनी मांग के बीचों बीच सिंदूर भरना चाहिए, और मांग पूरी भरनी चाहिए, लंबी मांग भरनी चाहिए, इससे पति की आयु लंबी होती है। सिंदूर भरते समय ये भी ध्यान रखें कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग सिंदूर लगाते हैं और उसके बाद बालों से उस सिंदूर को ढक देते हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर इस तरह से लगाने के बाद ढक देने से पति की पहचान छुपी रह जाती है। कहीं ना कहीं पति जो है वो दब कर रह जाता है, समाज में उसकी पहचान नहीं बन पाती है। इसलिए अपने सिंदूर को जब भी आप लगाते हैं तो उसे ऐसे लगाएं कि वो दिखाई दे। सिंदूर लंबा होना चाहिए, आपकी मांग में पूरा भरा सिंदूर होना चाहिए, लाल सिंदूर, इससे पति की आयु लंबी होती है। दोस्तों, इस तरह इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो पति का जीवन जो है वो सुखमय रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है इस तरह की बातों से। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग स्वयं मांग नहीं भरते हैं बल्कि अपने पति से भरवाते हैं, लेकिन कुछ जगह पर ऐसी मान्यता है कि पति जो है वो सिर्फ शादी के समय ही मांग भरता है, उसके बाद वो मांग नहीं भरता है। तो जैसे आप, अब ऐसा चल रहा है कि फैशन में कि लोग मांग हमेशा चाहते हैं कि उनका पति भरे, इससे प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में यही कहा गया है कि जो मांग है वो स्त्री अपने आप ही भरती है, सिर्फ विवाह के समय ही पति मांग भरता है आपकी, उसके बाद मांग हमेशा स्त्री ही अपने आप भरती है। तो आप इस तरह से अपनी मांग स्वयं भरें। प्यार दिखाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपने सिंदूर को मांग में भरते समय इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चय ही दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, आपके पति की आयु लंबी होती है, और आपके पति की हर संकट से, हर मुसीबत से सुरक्षा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्त्री की मांग में सिंदूर भरा होता है उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो हमेशा अगर आप विवाहित हैं तो आप अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं। ऐसा कई जगह पर होता है कि विवाहित होने के बावजूद भी कुछ स्त्रियाँ सिंदूर नहीं लगाती हैं, फैशन की वजह से या किसी भी वजह से। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, तो आपकी मांग में सिंदूर भरा होना चाहिए, इससे आपके पति की रक्षा होती है। आप दोनों के आपसी रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, आपस में जो प्यार है वो बढ़ता है। पति जो है वो अपनी मांग में, आपकी मांग में जब सिंदूर देखता है तो उसको खुशी होती है, एक रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत होता है। तो इस बात का ध्यान करती हूँ। आज की जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।